ये तो आपको पता ही होगा, पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बट इन्हीं लीडरों के बीच कुछ लीडर, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इन्हीं नेता में से एक निकल के आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। आखिर मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको इसके पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ ये था कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए थे, वो फटी हुई धोती पहनकर शपथ लेने गए थे, और फटी हुई धोती में उन्होंने इतना बड़ा देश चलाने का वचन भी लिया था। बाद में उनकी पत्नी ने बताया कि उनके पास सिर्फ दो ही धोती है जिसे वो पहना करते हैं, और उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपको दूसरी धोती ले लेनी चाहिए। और उसके बाद जो उनका जवाब आया वो शायद आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान आज भी फटी हुई धोती पहनकर खेतों में काम करते हैं, इस देश को चलाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, एक एक लोगों तक अन्न पहुंचाने के लिए, तो मैं कैसे नई धोती खरीद सकता हूं। और उन्होंने धोती खरीदने से इनकार भी कर दिया। क्या आपकी नज़र में भी आज के टाइम पे कुछ ऐसे नेता हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Instagram पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें।